नमस्कार, राष्ट्र आजकल में आपका स्वागत है। भोपाल से सागर जाते समय सागर प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया के प्रथम नगर आगमन पर राहतबगढ़ बैरखेड़ी सियोरा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला ढोल ढमाकों के साथ भव्य स्वागत किया। उसी समय प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया से हमारे राष्ट्र आजकल के संवाददाता राजेश साहू ने पत्रकारों के ऊपर झूठी FIR को लेकर पूछा तो प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया जी से जब हमारे राष्ट्र आजकल के संवाददाता राजेश साहू ने पत्रकारों के ऊपर झूठी FIR को लेकर बात की तो मंत्री जी ने अभी कहा कि मैं इसके बारे में पता करता हूँ और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही सागर में ट्रांसफ़र को लेकर पूछा तो सागर प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो भी नियम कानून है उसके आधार पर ही ट्रांसफ़र होंगे। वहीं सियोरा मंडल अध्यक्ष कमल पटेल ने बताया कि सागर प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा है कि जो भी मांगे हैं उनको लेकर आश्वासन दिया है कि वो पूरी करेंगे। सियोरा मंडल की जितनी भी मांगे हम और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत दोनों मिलकर पूर्ण करेंगे। आज माननीय मंत्री जी की हम लोगों के प्रथम नगर आगमन पर पार्टी संगठन के द्वारा हम लोग पहले जो भी अतिथि निकलता है भाजपा की रीति नीति कि हम लोग पहली बार जो भी हमारे नगर से निकले द्वारा मंडल की तरफ से हम सभी लोग संगठन भाजपा की मंडल की पहली बार हम लोगों ने स्वागत किया है और कुछ हम लोगों की मांगे थी द्वारा और मंडल उनको लेकर भी उनसे आप लोगों क्या मांग थी। सिहोरा में जो हमारा बहुत प्राथमिकता भाई बाजार बनना है मार्केट उस संदर्भ में माननीय हमारे क्षेत्र विधायक परिवहन मंत्री जी की आप अपने विचार रखो। जानकारी मिली है क्या विषय है जो खरगोन में पत्रकारों के FIR दिए विभाग वालों ने करवाई भाई साहब उनके भ्रष्टाचार की समाचार लेने के लिए गए थे। और भाई साहब एक बात और है कि जो यहाँ पे स्थानांतरण होंगे वो किस आधार पे होंगे। रखिए देश के हर शहर हर गांव हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।